मीरा जी का चरित्र चल रहा है। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो, भक्ति निशान बजाए के काहूते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज गिरा मीरा गिरधर भजी। जीव गोस्वामी जी से भेंट हुई, कल ये प्रसंग चल रहा था। वृंदावन में जाकर के पूछे लग गई, दीपक कोई है यहां? दीपक, दीपक माने ऐसा साधु जो भक्ति का प्रकाश फैला रहा हो। लोगों ने जीव गोस्वामी जी का पता बताया, वहां गई, वहां रोक दिया शिष्यों ने कि हमारे गुरुदेव स्त्री मुख नहीं देखते हैं। मीरा जी ने उनसे कहा कि जाओ तुम ये पूछ आओ। वृंदावन में मैंने सुना था एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कौन है, कहाँ से आया है? और ये भी कहा मैं अभी अपनी स्वामिनी राधा रानी से पूछती हूँ कि आपके इस रहस्य पूर्ण वृंदावन में दूसरे पुरुष का प्रवेश कैसे हुआ। शिष्य ने जाकर के गुरु ऐसी बात ऐसे ही कह दिया। उस समझ गए कि जो इतना अधिकार रखती है कि मैं भी राधा रानी से पूछती हूँ और दूसरा पुरुष कौन है वृंदावन में, समझ गए साक्षात कोई गोपी है। जैसे उत्तम पतिव्रता चार प्रकार की होती हैं, उत्तम को संसार में कोई दूसरा पुरुष दिखाई नहीं पड़ता, उससे नीचे मध्यम सती होती है उसको दूसरा दिखाई पड़ता है किंतु पिता भाई के समान। रामायण में ये अरण्य कांड के प्रारंभ में अनसुईया जी ने सीता जी को उपदेश दिया है तीसरी कोटि की और चौथी कोटि की, इस प्रकार चार प्रकार की होती हैं। तो गोपी तो वही है जिसको केवल श्री कृष्ण ही दिखाई पड़े, कोई दूसरा पुरुष न दिखाई पड़े। ये गोपियों का अनन्य प्रेम, अनन्य लक्षण। यहां तक एक बार श्री कृष्ण चार भुजा का रूप धारण करके बैठ गए
गोपियाँ छोड़ के चली गईं। केवल एक द्विभुज श्री कृष्ण ही उनको पुरुष था दिखाई पड़ा, और कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे निकल के आए और मीरा उनसे भेंटने लग गई पिता समझ के। वे भी चरणों में गिर पड़े। इसके बाद ललिता जी ने उनको सब कुंजों के दर्शन कराए। प्रियादास जी के अनुसार मीरा जी देख कुंज कुंज लाल प्यारी सुख पुंज भरी, जीव गोस्वामी जी के बाद मीरा जी राजस्थान चली गई थी। वृंदावन आई जीव गोसाई जीसो मिली झिली, तिया मुख देखिवे को पन ले छुटायो है। देख कुंज कुंज लाल प्यारी सुख पुंज भरी, धरी उर मांझ आए देश बन गायो है। क्योंकि यहाँ उनके प्रभाव से उनकी सखी सहेलियां बहुत सी कृष्ण अनुरागिणी बन गई थी। पदों में गाया भी है, सहेलियां सजनी। इसलिए वे राजस्थान लौट गईं। उनके वात्सल्य की दृष्टि से जो कृष्ण भक्त होता है वो कृष्ण भक्तों से प्यार करता है, और उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है। अपने सारे नियम, व्रत, सब वात्सल्य के कारण ऐसी करुणा महापुरुषों में होती है। यदि महापुरुष लोग करुणा न करें तो इस संसार में भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है। एक कोई यही नियम, एक ही नियम पर सारे महापुरुष नहीं चलते हैं। एक ही नियम सब जगह नहीं लागू होता है। महापुरुषों में जितनी करुणा होती है उसी करुणा के कारण अवतार होता है भगवान का, और वो वात्सल्य वाला महापुरुष भगवान को बहुत प्रिय होता है, और इतना प्रिय होता है कि उसी के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दशम स्कंद में इसका प्रमाण है। दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति में ऐसे महापुरुष वात्सल्य की जो दया की मूर्ति होते हैं, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्विमन भवारणवम भीम मदभ्र सौहृदा
अदब्र सौहृदा उन महापुरुषों के लक्षण होता है। दब्र मने थोड़ा, अदब्र मने अनंत, उनमें सौहार्द कृपा वात्सल्य होता है। जिनमें अदब्र सौहार्द होता है वे महापुरुष स्वयं समुत्तीर्य, स्वयं तो भवसागर पार चले ही गए। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं इस प्रमाण को, श्लोक को, कि मीरा जी के चरित्र में घट रही है। और प्रियादास जी ने लिखा है, इसलिए हम इन्हीं को प्रमाण मानते हैं। यद्यपि अनुसंधान करने वाले नई नई खोज करके लिखते हैं, लेकिन हम तो कि वृंदावन में जीव गोस्वामी जी से भेंट के बाद मीरा राजस्थान चली गई, और उनके जाने का मुख्य कारण था वो जो वहाँ उनकी सहेलियाँ कृपा पात्राएँ कृष्ण प्रेम में रंग गई थी, उनको छोड़ आई थी, उनके वात्सल्य के लिए चली गई। तो इसीलिए गर्भस्थिति में ये श्लोक आया है कि एक ही नियम नहीं सबके लिए, कि एक धाम निष्ठा ही है, किसी की नाम निष्ठा, किसी की धाम, किसी की गुण निष्ठा, किसी की लीला निष्ठा। सबसे बड़ी बात होती है जो महापुरुषों में, जब उनमें वात्सल्य और करुणा बहुत आती है तो अपने सब नियम त्यम व्रत तोड़ देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे महापुरुष स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन, स्वयं भवसागर पार हो जाते हैं, उनको चिंता नहीं। दुस्तर कठिन है भवसागर पार होना, उसको पार कर जाते हैं। अदब्र सौहृद, अनंत वात्सल्य दया उनमें होती है। और स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवारणम भीम अदब्र सौहृदा, लेकिन वे जाने के पहले नाव छोड़ देते हैं कि हे संसार के भटकते प्राणियों, तुम इस नाव पर चढ़ के आ जाना। वो नाव है भगवान के चरणों की का आश्रय, यानी शरणागति, शिक्षा देते हैं संसार को। भवत पदाम्भोरुह नाव मत्रते, जैसे सूर आदि ने अनेक पद बनाए, ये नाव छोड़ गए हैं जिसको हम लोग गाते हैं। अनेक जैसे मीरा के पद गाते हैं, ये नाव छोड़ गए हैं मीरा जी। शरणागति का मार्ग स्थापित करके स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवारणमम भीम अदभ्र सौहृदा भवत पदाम्भोरुह नावम, आपके चरण कमल की नाव यानी आपका आश्रय निधाय रखने के बाद तब वे इस संसार से जाते हैं। एक रास्ता दिखा करके जाते हैं, इस पर तुम लोग चले आना, ये रास्ता तुमको श्री कृष्ण से मिला देगा। भवत पदाम्भूरुह नाव मत्र ते निधाय याता, तब जाते हैं। सदनुग्रह हो भवान, ऐसे संतों पर अनुग्रह के लिए ही आपका अवतार होता है। जिनके अंदर वात्सल्य है, जिनके अंदर दया है, वे ही महापुरुष भगवान को प्रिय होते हैं। यही बात शंकर जी ने भी कहा है उत्तरकांड में, क्षमाशील ये परोपकारी ते द्विजवर
प्रिय यथा खरारी, जैसे जितने मुझे प्यारे राम हैं उतना ही प्यारा वो महापुरुष हमको प्यारा बन जाता है जो क्षमाशील है, जिसके अंदर वात्सल्य है, जिसके अंदर अनंत दया है। वही बात यहाँ सुखदेव जी गर्भस्थ ऋतु में कह रहे हैं, दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में, कि ऐसे महापुरुष स्वयं समुत्तीर्य सुधिस्तरम द्युमन भवर्णवम भीम मदभ्र सवृदा, पार तो चले ही जाते हैं लेकिन एक नाव छोड़ देते हैं जीवों को भगवान के शरणागत करके जाते हैं। भवत पदम्भोरु नाव मत्रते, उस नाव पर बैठाल करके जब जाते हैं अनेक जीवों को भगवान का आश्रय पकड़ा करके, सदनुग्रहो भगवान, ऐसे संतों पर अनुग्रह के लिए आप आए हैं, आपका अवतार हुआ है। तो महापुरुष लोग अपनी दया अपनी करुणा के कारण सब नेम व्रत छोड़ देते हैं और उनकी कृपा को हम जैसे लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मीरा जी राजस्थान चली गई। किंतु वहाँ पहुँचने पर भी राणा की बुद्धि सुधरी नहीं थी, जबकि कल हमने परसों सुनाया था उसने ठाकुर जी जल में डाल दिए, मीरा कूदी सरोवर में और यहाँ वृंदावन में प्रकट भई। ये सब देख करके भी उसकी बुद्धि मलिन थी। असल में श्रद्धा एक ऐसी संपत्ति है कि सबको नहीं मिलती। श्रद्धा तो एक श्रद्धा की जिसको प्राप्ति हो गई उसको सब कुछ मिल गया। निश्चित भगवान मिल गए। प्रहलाद जी ने सातवें स्कंद के सातवें अध्याय में इस बात को कहा है, तुम चाहे असुर बालक हो दैत्य हो लेकिन फिर भी यदि श्रद्धा हो तो तुम हमारी तरह बन जाओगे। श्रद्धा हो तो हर लड़का हर स्त्री मेरी तरह बन सकती है। भवतामपि भूयान में ये श्लोक आता है, सात सात में पंद्रह सत्रह, भवतामपि भूयान में यदि श्रद्धते वच। वैशारदी धी श्रद्धातः, वो जो बुद्धि भगवान से मिलाती है वैशारदी होती है, वो श्रद्धा से आती है, अन्य किसी साधन से नहीं आती है। स्त्री बालान नानम चमे यथा, कोई कहे कि स्त्री पाप योनि है, बोले नहीं, यदि उसमें कहीं श्रद्धा आ गई स्त्री में तो प्रहलाद बन गई। बाला नाम कोई मूर्ख लड़का भी है श्रद्धा आ गया तो, श्रद्धा एक ऐसी चीज होती है जो मिल जाने पर समझो भगवान ही मिल गए।